हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों बायोलॉजी जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, तितली की आँख रात में क्यों चमकती है दोस्तों? तो किसके कारण चमकती है दोस्तों? टेपिटम लूसाइड के कारण चमकती है दोस्तों। जो तितली की आँख है दोस्तों वो टेपिटम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चमकती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमृत्व का गुण पाया जाता है दोस्तों। तो अमृत का गुण किस में पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रा नामक जो औषधि दोस्तों उसमें पाया जाता है दोस्तों अमृत्व का गुण दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रा का प्रचलन अंग है दोस्तों। हाइड्रा किसका प्रचलन अंग है दोस्तों? तो वो है दोस्तों टेंटेकिल्स का प्रचलन अंग है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हाइड्रा टेंटेकिल्स का दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाओ क्रिस्टेनेश किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है दोस्तों पाओ क्रिस्टेशंस। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, तो शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में कर लेता है दोस्तों, वो कौन सा पक्षी दोस्तों? तो उस पक्षी का नाम है दोस्तों शत्रुमुर्ग। शत्रुमुर्ग दोस्तों ऐसा पक्षी दोस्तों जो शत्रु से बचने के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जा सकते हैं दोस्तों? तो डॉल्फिन जो मछली दोस्तों वो किस में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों? तो स्तनी में वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों डॉल्फिन पक्षी को, डॉल्फिन मछली को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती दोस्तों? तो दोस्तों जो घड़ियाल होता है दोस्तों उसके अंदर अश्रु ग्रंथियाँ नहीं होती, मतलब जो रोने वाली जो ग्रंथियाँ होती है वो नहीं पाई जाती दोस्तों किसमें? घड़ियाल में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे विषैली मछली कौन सी है दोस्तों? तो सबसे विषैली मछली दोस्तों वो है दोस्तों पाषाण जो मछली है दोस्तों वो सबसे विषैली मछली दोस्तों पाषाण मछली दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो जो सूर्य से दोस्तों जो एनर्जी मिलती है दोस्तों उसी से ही सौर ऊर्जा बोले तो सोलर एनर्जी हमें प्रदान होती है दोस्तों, जो सोलर एनर्जी है दोस्तों वो सूर्य से प्राप्त होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे शारीरिकी कहते हैं दोस्तों, जो पौधों की जो आंतरिक रचना है दोस्तों उसका जो अध्ययन है दोस्तों वो कहलाता है दोस्तों शारीरिकी कहलाता है दोस्तों, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपका जो फेसबुक अकाउंट है दोस्तों और दोस्तों व्हाट्सएप अकाउंट है दोस्तों उसके माध्यम से इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी बायोलॉजी जीके के क्वेश्चन देख सके दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।